विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से दुर्ग में कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अनुपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सहायक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण कर उसे प्रदर्शित भी किया। कार्यक्रम के संयोजक और दुर्ग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद साव ने बताया कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा में हुए नुकसान की पूर्ति के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई का लर्निंग लॉस हुआ था, उसको पूरा करने के लिए शासन ने कई तरह की योजना बनाई। उसमें एक प्रमुख योजना ये भी थी कि कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे दें। तो उसमें हमारे शिक्षकों ने बच्चों के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट से बेस्ट जो TLM बनाया है, सहायक सामग्री बनाया है, पाठ्य सामग्री, उसका ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के मंच पर हम एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए एक विकासखंड स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य समग्र शिक्षा के निर्देश पर ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्रियों का अवलोकन कर उनकी सृजनात्मकता की सराहना की। विकासखंड के शिक्षक ने बच्चों ने एक अनुभव अपने अनुभव के आधार पर नया प्रयोग किया है, जो कबाड़ है उसका प्रयोग करके बहुत कई चीज़ों को बहुत अच्छा अच्छा बनाया है। इससे ये सीखने को मिलता है कि किसी चीज़ को अनुपयोगी मान के नहीं फेंकना चाहिए, उसका भी उपयोग किया जा सके और अच्छे अच्छे चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है। पारिवारिक जीवन में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, प्रदर्शनी के माध्यम से भी बच्चों ने उस चीज को प्रदर्शित किया है। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया।